गाइस वेलकम टू स्टडी डेस्क यू। गाइस आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। गाइस आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से डेली 1 आवर बेस्ट करंट अफेयर मिल जाएंगे A to Z। ठीक है गाइस, जो भी न्यूज़ आएंगे हम आपको तुरंत ही प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपको GK GS पर्सन का ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम का जो 40x40 मीन्स 40 क्वेश्चन आते हैं ना आपके, किसका 25 35 किसका 50, वो हम कवर करवाते हैं। इसके अलावा हमारे न्यूज़ के हमारे जो चैनल के माध्यम से आप न्यू न्यू जॉब अपडेट और कमेंट्स न्यूज़ के बारे में जान पाएंगे। तो लेट ना करते हुए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, आज है 27 नवंबर। ठीक है, इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, देखते हैं कल क्या था। नेशनल मिल्क डे था कल 26 नवंबर को। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, ठीक है 26 नवंबर को मिल्क डे था, याद रख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं डिफेंस न्यूज में। डिफेंस न्यूज में था फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन, जनरल बिपिन रावत। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इकोनॉमी देखिए। इकोनॉमी में SBI कार्ड एंड विस्तारा लॉन्च्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कॉल्ड क्लब विस्तारा SBI कार्ड। SBI एंड विस्तारा ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्लब विस्तारा SBI कार्ड। ठीक है गाइस, एनवायरमेंट न्यूज में देखिए गाइस। आज पर द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम्स एनुअल एमिशन गैप रिपोर्ट ग्लोबल टेम्परेचर आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय दिस मच डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इवन इफ ऑल करेंट अनकंडीशनल कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस डील आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, 3.2 डिग्री सेल्सियस। आज पर द UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स एनुअल एमिशन जो गैप रिपोर्ट टेम्परेचर बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द सेंचुरी जो हमारा एमिशन रिपोर्ट है ग्लोबल टेम्परेचर कितना आएगा, 3.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल में क्या आया था 26 नवंबर को, जो 27 नवंबर में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कंसल्टेशन मीटिंग IECM क्या करता है फ्रेंड्स। IECM का आपको पूछ लेगा ई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको थोड़ा याद रखिए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कंसल्टेशन मीटिंग ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी हेल्ड फ्रॉम 26 to 29 नवंबर इन गुजरात। 26 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट कंसल्टेशन मीटिंग होगा किसके ऊपर में, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, कहाँ होगा, वो गुजरात में होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए वर्किंग ग्रुप मीटिंग WGM, ठीक है, ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन लिटरली रिसर्च विल बी हेल्ड, मेडिसिन रिसर्च विल बी हेल्ड 2nd to 4th December इन न्यू दिल्ली। ठीक है गाइस, जो मेडिसिन लिटरली रिसर्च होगा कब होगा, 2nd December से लेके 4th December तक होगा, कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड एट द वर्ल्ड ब्रांडिंग अवार्ड 2019 मिल्टन। ठीक है, जो वर्ल्ड ब्रांडिंग अवार्ड 2019 का, ठीक है, किसको मिला, मिल्टन को। ठीक है, नेक्स्ट गाइस ऑन 25th November इंडिया एंड द एशियन कंट्री साइंड ए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर MOU, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, 25 नवंबर को इंडिया और एशियन कंट्री के बीच में एक जो MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, किसके ऊपर में हुआ, एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वियतनाम में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ऑन 26 नवंबर द कॉमनवेल्थ हैज अनाउंस्ड ए न्यू पार्टनरशिप डिजाइन टू रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस इन मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड साइंड ए MOU विद द किस और किसके साथ, नो मोर फाउंडेशन। ठीक है गाइस, 26 नवंबर को जो कॉमनवेल्थ हैज अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया कि न्यू पार्टनरशिप जो होगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको कम करने के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया एंड साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नोमर फाउंडेशन। ठीक है, नेशनल न्यूज में क्या आया,
नेशनल न्यूज में आया गाइस द स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, ठीक है, SIFFCY, फुल फॉर्म क्या है, स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ 2019 विल बी ऑर्गेनाइज बाय स्माइल फाउंडेशन इन दिल्ली, ठीक है, कब तक ओपन, ऑन 9 दिसंबर, ठीक है, जो फिल्म फेस्टिवल है चिल्ड्रन और यूथ के लिए हुआ है विल ऑर्गेनाइज बाय किसके द्वारा हुआ है, स्माइल फाउंडेशन, कहाँ पर हुआ है, दिल्ली दिल्ली, ठीक है, ओपन ऑन 9 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ब दी एल ए आर टी, ठीक है, विल स्टार्ट ऑन 1 दिसंबर 2019, ठीक है, 1 दिसंबर को सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ब दी एल आर टी, ठीक है, विल स्टार्ट ऑन 1 दिसंबर, कहाँ होगा, दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए पार्लियामेंट गेव इट्स नोट टू द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन अमेंडमेंट बिल 2019 व्हिच सीक्स टू डिक्लेयर 4 नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन इन दिस स्टेट्स एज इंस्टीट्यूशनल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, पार्लियामेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन अमेंडमेंट बिल क्या है वो जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो 4 नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन किया गया है, कौन से स्टेट है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा। नेक्स्ट एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, ये याद रखने की, ये याद रखिए NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे द लिटरेसी रेट अमंग दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर एंड अबव ड्यूरिंग जुलाई 2017 जून 2018 इन इंडिया 77.7% एंड 73.5% इन रूरल एंड 87.7% इन अर्बन एरियाज, ठीक है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे हुआ है क्या मिला है, जो 73.5% है रूरल और 87.7% है अर्बन एरिया में, ठीक है। इस ग्रुप पर्सन इन न्यूज कौन कौन थे जो न्यूज में आए, चेयरमैन ऑफ लोकपाल कौन है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, विनर ऑफ द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 47th इंटरनेशनली एमी अवार्ड्स इन द न्यूयॉर्क, जो एमी अवार्ड्स हुआ है वो कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ था, वो जो था अवार्ड था कौन सा था, 47th इंटरनेशनल अवार्ड था, किसको मिला, MC माफिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारा, ठीक है। ऑथर ऑफ द फैंटेसी नोवेल चिल्ड्रन ऑफ ब्लड एंड बोन, ठीक है, नोवेल लिखा था, उस नोवेल का नाम क्या था, चिल्ड्रन ऑफ ब्लड एंड बोन, ठीक है, किसने, टोमी एडियमी, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन कार्टूनिस्ट हु डाइड ऑन 26 नवंबर 2019, उनका नाम क्या था, सुधीर धर, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन हु अपॉइंटेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल, नॉन परमानेंट, ठीक है, नॉन पर ये ध्यान रखिएगा इस यहाँ पर, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के लिए उन्हें जो इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल अपॉइंट किया गया है, ठीक है, कौन है, भी अनंत नागेश्वरन, डीन ऑफ IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस कोरिया यूनिवर्सिटी, नाम क्या है उनका, जो 2 वर्ष के लिए रहेंगे, बी अनथ नागेश्वरन, ठीक है। स्टेट करंट अफेयर में क्या है गाइस, देखिए अपॉइंटेड प्रो टेम स्पीकर ऑफ द असेंबली ऑफ महाराष्ट्र कौन है, कालिदास कोलाम बकार, ठीक है। साइंस देखिए गाइस, साइंस में क्या है, द फर्स्ट मैप व्हिच शो द ग्लोबल जियोलॉजी हैज बीन कंप्लीटेड फॉर टाइटन विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैचुरन, ठीक है। जनरल नॉलेज देखिए क्या है, पोजिशन ऑफ सैचुरन फ्रॉम द सन 6। मोटो ऑफ लोकपाल, जो मोटो, मोटो क्या होता है लोकपाल का, मा गृध कश्यवृधनम, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अमरावती, आंध्र प्रदेश न्यूज में आया था, जो 4 स्टेट मैंने बोला ऊपर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग स्टैटिक जनरल नॉलेज आता है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया कब हुआ, फाउंडेशन 1777, ठीक है,
नेक्स्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर डेहराडून उत्तराखंड, ठीक है गाइस, 1767 में हुआ। नेक्स्ट तेलंगाना वाज बिफ्रिकेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन, ये न्यूज़ आपको पता होगा, 2014 में तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से, वो दोनों स्टेट अलग हो गए थे ना, तेलंगाना वाज बिफ्रिकेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश कब हुआ, 2014 में, ठीक है। लोकपाल फाउंडेशन 2019 19 मार्च, ठीक है, लोकपाल जो है फाउंडेड कब हुआ, 19 मार्च 2019, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थडे ऑफ, किसके बर्थडे पे, मैंने किसको याद करके कहते हैं, डॉक्टर भिर्गिस कुरेन, फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवोल्यूशन, ठीक है गाइस। तो ये था आज का हमारा वन लाइनर 27 नवंबर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा और शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज कीप लर्निंग कीप शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।